अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको वाडा वाइड केबल सिंगल फेज, थ्री फेज और कॉपर वाइड केबल दिखाऊंगा और विजिट कराऊंगा। और इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरह की केबल्स परचेज करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको 752 वाडा रेगुलर जो इस्तेमाल करती है वो दिखाता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये 752 की तार है वाडा वाली, सिंगल फेज मीटर के लिए बहुत ही अच्छी और बेहतरीन क्वालिटी की तार है। इसमें एक तार के अंदर 7 तारें होती हैं। इसके ऊपर आप घर का लोड आराम से चला सकते हो। तकरीबन 3 से 3 एसी और घर का तमाम लोड इस पे आराम से चल सकता है। ये बहुत ही अच्छी और अच्छा पीवीसी में तैयार की गई है। इसमें आपको कितनी भी लेंथ चाहिए होगी मिल जाएगी, हमसे बगैर जोड़ के लेंथ मिलेगी। इसके बाद हमारे पास 764 आती है। ये देखें फ्रेंड्स, ये 764 है। हमारे पास इस तरह बड़े बड़े बंडल तैयार हो के आते हैं फैक्ट्री से। ये बहुत ही अच्छी और अच्छे पीवीसी में तैयार की गई है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की केबल है। और इसके बाद हमारे पास ये आती है 772। इसमें भी आपको जिस तरह की लेंथ चाहिए होगी मिल जाएगी। अगर आपको कोयल कोयल चाहिए होंगे, कोयल कोयल मिल जाएगा। ये सिंगल फेज के लिए बहुत अच्छी और इसका पीवीसी बहुत अच्छा पीवीसी है। इसके बाद हमारे पास 783 आती है। ये इसके पीछे ही 783 पड़ी हुई है। ये सिंगल फेस में बहुत हैवी केबल होती है। इसके ऊपर आप तकरीबन 6 से 7 एसी चला सकते हो और घर का सारा लोड चला सकते हो आराम से। इसमें भी आपको जितनी भी लेंथ चाहिए होगी मिल जाएगी। हमारे पास जितनी भी केबल अवेलेबल होती है, हमारे पास हर तरह की क्वालिटी, हर तरह की लेंथ और साइज़, हर तरह का साइज़ हमारे पास अवेलेबल होता है। इसके बाद ये हमारे पास डीसी वायर केबल होती है, एसी के लिए भी इस्तेमाल की जाती है और सोलर वगैरह के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। हमारे पास लेंथ वगैरह दस्तयाब है। ये देखें, ये पड़ी हुई है 2373 कोड पड़ी हुई है, ये 2372 कोड पड़ी हुई है और इसके साथ ही ये 1172 कोड पड़ी हुई है। इसमें हमारे पास 2 सिंगल कोड से लेकर 4 कोड तक अवेलेबल होती है। हर साइज़ हर लेंथ में मिल जाएगी। इसके बाद ये हमारे पास 772 कोड में है। ये 772 कोर फ्लेक्सिबल में बहुत ही अच्छी और रबड़ पीवीसी में है। रबड़ पीवीसी लगाया गया है, कॉपर की, प्योर कॉपर की, 99+ कॉपर लगा हुआ है। इसके बाद ये हमारे पास डीसी वायरिंग के लिए 6 mm ब्लैक रेड में और डबल पीवीसी में है। ये देखें, ये डबल पीवीसी में प्योर कॉपर की तार है 6 mm। इसमें हमारे पास 0.75 से लेकर 16 mm तक सिंगल सिंगल में मिल जाएगी। हमारे पास 25 mm भी मिल जाएगी, बैटरी वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये हमारे पास कॉइल भी अवेलेबल होते हैं। अगर ये हमारे पास इस तरह गोटे भी बनाई जाती हैं। ये सिंगल फेस के लिए डीसी वायर केबल है। इसमें हमारे पास 4 कलर अवेलेबल हैं, रेड, ब्लैक, ब्लू और येलो कलर। इसमें हमारे पास 70 mm 4 कोर, 50 mm 4 कोर, 3 फेस मीटर के लिए, मोटी से मोटी केबल के लिए ये हमारे पास अवेलेबल होती है। ये हमारे पास 70 mm पड़ी हुई है। इसके साथ ये 35 mm पड़ी हुई है 4 कोर सिल्वर में, कॉपर में भी मिल जाएगी हमारे पास। इसके ऊपर हमारी ये देखे 35 mm की मोर भी लगाई गई है और फुल गेज में तैयार की गई है ये केबल। हमारे पास हर किस्म की केबल यहाँ दस्तयाब है। ये 3 फेस मोटर वगैरह के लिए, हैवी ड्यूटी मोटर के लिए, ये 3 फेस 752 3 फेस का साइज़ है। ये 752 का कॉपर में तैयार की गई है। इसमें आपको सिल्वर में भी मिल सकती है 764 772 3 कोर में। इस तरह 3 तारे होंगी उसमें। ये ज़्यादातर मोटर वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है, 3 फेस मोटर के लिए बहुत ही अच्छी केबल है ये।
अगर इसी में आपने डीसी वायर में लेनी है तो डीसी वायर केबल में भी मिल जाएगी। ये देखें, ये डीसी वायर केबल में लगी हुई है, ये डीसी वायर केबल 3 कोन में लगी हुई है। ये देखें, ये 3 कोन डीसी वायर केबल है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, और रबड़ पीवीसी लगाया गया हुआ है। ये हमारे पास सिंगल कोर में 25 mm सिंगल कोर 3 दफ़ा पीवीसी लगाया गया है इसको, 3 दफ़ा हैवी पीवीसी है, क्योंकि ये केबल बहुत ही अच्छी क्वालिटी की केबल है, इसलिए इसको 3 दफ़ा पीवीसी लगाया गया है ताकि इसका पीवीसी ना ख़राब हो। हमारे पास ज़्यादातर अच्छे पीवीसी में केबल्स लगाई जाती हैं ताकि लाइफ टाइम चले। ये हमारे पास 4 mm है डीसी वायर वायरिंग के लिए, मेन पर लगाई जाती है, एसी वगैरह भी इस पर चलाए जा सकते हैं आराम से। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की केबल है इसमें, ये ब्लैक कलर पड़ा हुआ है, ये इसके साथ ही रेड बना के, ये देखिए नया, बिल्कुल नया माल है, नया पीवीसी लगाया गया, अभी नया बन गया है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में तैयार किया गया है। ये हमारे पास 64 फोर कोर कॉपर में लगी हुई है, ये इसमें भी आपको जो सी लेंथ जितनी भी लेंथ चाहिए होगी बगैर जोड़ के मिल जाएगी। ये इसका मैं सीधा दिखाता हूँ अब आपको, ये देखें, ये भी हमारे पास न्यू बन के आई है, अभी 64 फोर कोर में हमारे पास है, ये देखिए बन के आई है 64 फोर कोर में, 2260 फुट बन के आई है, ये बहुत ही अच्छी और अच्छे पीवीसी में तैयार की गई है। ये भी कॉपर की तार है, प्योर कॉपर की, जिस भाई को चाहिए वो हमारे यूट्यूब पे नंबर दिया गया है, उस पर रब्ता कर सकता है, व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है, हमारी दुकान पे भी आके सामान वगैरह ले सकता है, जिस तरह सहूलत हो उस तरह हमसे हासिल कर सकता है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।